हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भसीन। वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्टर लॉजिक। सो गाइस, आज की मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी गई थी। जो कल हम लोगों ने अपने डिसीजंस लिए थे कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली नीचे जा सकती है, वो लेवल्स हमारे टेस्ट हुए और उसके बाद वहां पर उसने पॉज लिया। अब जनरली करना क्या है, क्योंकि कल थर्सडे है, किस तरीके से अप्रोच लेकर चलनी है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा निफ्टी में थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज आया है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है, तो डिसीजन किस तरीके से बना के चले। क्या अब हम लोग कल ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग या बाय या सेल कुछ कर सकते हैं, या फिर कल भी मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकती है, जिस तरीके से आज खुलने के बाद पूरे टाइम रेंज बाउंड हमें देखने को मिली है। क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी। इसके अलावा गाइस, जितनी भी चीजें हम लोग टेलीग्राम के अंदर शेयर कर रहे हैं, जितने भी लाइव कॉल आउट्स हम टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं, उन सबके टारगेट्स हिट हो रहे हैं, सब की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसे ज्वाइन नहीं करा तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आप लोग मिस कर रहे हैं पैसा कमाने का। अब आते हैं एक और पॉइंट पे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारा 9th और 10th को एक वेबिनार कंडक्ट होने वाला है, जिसपे हम 9th ऑफ अप्रैल को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। यस गाइस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसपे हम ह्यूमन साइकोलॉजी और सिक्योरिटी साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये पर्टिकुलर वर्कशॉप हम कंडक्ट करवा रहे हैं 9th ऑफ अप्रैल को। इसके अलावा 10th ऑफ अप्रैल को हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न का वर्कशॉप। यस गाइस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आप वो सीख जाओगे उस पर्टिकुलर वर्कशॉप के अंदर, तो आई कैन 110% गारंटी यू कि आप मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे और एक सेपरेट अपनी अच्छी सी परसेंटेज एवरी मंथ जनरेट कर पाओगे। सो आई विल सी यू देयर। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके जरूर चेकआउट करिए और जल्दी करिएगा, बिकॉज लिमिटेड स्लॉट्स हैं और अगर वो मिस हो गए तो आप ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। चलते अपने ट्रेडिंग सेटअप। हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक का नाम है सेक्चेम। सेक्चेम पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक मैंने आज ही आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर रिकमेंड करा है, एग्जैक्टली इसी की प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसपे क्लोजिंग करी है। अभी स्टॉक मैंने क्यों रिकमेंड करा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे बॉटम से बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था, एंड आफ्टर दैट एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट मोर देन 100% का रिटर्न दिया था। After that, ये पूरे टाइम एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते रहा, एंड आफ्टर दैट अब इसका ब्रेकआउट देने की तैयार कर रहा है। अब ये जो पैटर्न बना इसके अंदर, इसे हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसका ही वर्कशॉप मैं आपको कंडक्ट करवा के दिखा रहा हूँ दिस संडे को, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगर आ गया तो इसके टारगेट्स की बात करते हैं। डेफिनेटली ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, ब्रेकआउट आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली वो कल आ जाएगा, शायद गैप अप के साथ भी हमें देखने को मिल सकता है, तो इसी वजह से हमने आपको आज रिकमेंड करा। अब एक बार चलते हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। सो ऑन 2 आवर्स टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज, अब एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, रिजेक्शन मिला, नीचे आया, यहाँ पर इसने पॉज लिया और दोबारा इसने रिट्राई करा है। दैट मीन्स कि ये जो लेवल है, अगर मैं यहाँ पर एक मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का यूज करता हूँ, तो हमें पता चलता है कि ये जो एक छोटी सी रेंज बनी हुई है, यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर किसी ने ऑलरेडी बाय करा हुआ है मेरे सजेशन के थ्रू और अगर उसको इन लेवल्स में मिलता है तो भी आप एक्यूमुलेट और कर सकते हो, अदरवाइज कल अगर ये इस लेवल के आसपास आता है तो भी आप बाय फ्रेश एंट्री बना सकते हो, आपको ब्रेकआउट का वेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला स्टॉक है हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न के थ्रू सेक्चेम। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक। हमारा दूसरा स्टॉक है आरके फोर्ज। आरके फोर्ज मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन करा हुआ है और इसमें अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रेंज है, जिस रेंज पे एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली थी। फाइनली इसने लास्ट 2021 अगस्त पे ही एक इसका ब्रेकआउट दिया था, अपने प्रीवियस स्विंग हाइज और अपने लाइफ टाइम हाइज का ब्रेकआउट दिया था, एंड एक अच्छी रैली भी दी थी। अब आफ्टर दैट अब ये नीचे आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, अब यहाँ पर ये तैयार हुआ है दोबारा एक अप मूव करने के लिए। अभी हमें पता कैसे चला कि ये और ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, अगर आप चेक करोगे तो एक अच्छी फॉल देखने को मिली, अगेन एक ऊपर पुल बैक करा, एक प्रीवियस जो ये लो था उसको भी ब्रेक करा, अगेन ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, अब अपने इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, यानी कि एक हायर लो क्रिएट करा, एक डबल बॉटम क्रिएट करा और अब ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स कि इस लेवल से इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और अब यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, जिस तरीके से आप एक पर्टिकुलर कैंडल्स की, एक पर्टिकुलर मूवमेंट की रिप्रेजेंटेशन को समझते हो कि ये क्या बताना चाह रहा है, और इसी के बेसिस पर हम अपना डिसीजन ले पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें कोई चार्ट पैटर्न, यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा, बट तब भी हम समझ पा रहे हैं कि ये बताना क्या चाह रहा है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर एंटर करके ही हम पैसा कमा सकते हैं,
ना कि सिर्फ हमने कुछ चार्ट पैटर्न्स को रट लिया, इंडिकेटर्स को समझ लिया और हम मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट ट्रेडर्स बन सकते हैं। ये बात जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक आप मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाओगे, अपनी कैपिटल को लूज करते ही रहोगे इन दी एंड। बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। हमारा लास्ट स्टॉक है मिंडाकोर। मिंडाकोर अगर आप यहाँ देखोगे तो एक बहुत बढ़िया ही राउंडिंग बॉटम हमें देखने को मिला और एक छोटा सा कप एंड हैंडल भी हमें देखने को मिला ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब इसके अलावा एक पॉइंट और क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास अब कमेंट्स आने वाले, सर आपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस किसी के भी नहीं बताया। सो गाइज डोंट वरी, मार्केट खुलने से पहले 9:15 मार्केट ओपन होती है, उससे पहले 9 बजे या 8:30 बजे आप लोगों को इन तीनों स्टॉक्स के जो भी मैं यूट्यूब के अंदर बताया करूंगा उनके परफेक्ट बाइंग लेवल्स, एंट्री टारगेट, स्टॉप लॉस, कितने टाइम की होल्डिंग होनी चाहिए उसकी, कब एग्जिट करना है, सारी चीजें आपको उस टेलीग्राम चैनल के अंदर पता चल जाएंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप तुरंत जाके पहले हमें ज्वाइन करेंगे। अब पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम हमें देखने को मिला है जो कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो ये 4 साल का राउंडिंग बॉटम है। इसके अलावा यहाँ पर इसने एक कप का हैंडल क्रिएट करा और अब एक फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी तक ये अपने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट नहीं कर पाया जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 228-229 के आसपास है और डेफिनेटली उसे टेस्ट कर लेगा। अब जब इतना बड़ा ब्रेकआउट आया ना तो इस स्टॉक पे तो यार ट्रेड करना बनता ही है। अब यहाँ पर दो चांसेस है हमारे पास, ठीक है, अभी ट्रेड कर रहा है 220 के आसपास, 210 पे अगर आता है तो परफेक्ट है हम लोग बाय करने के लिए। बट यहाँ पर भी हम लोग एक छोटी क्वांटिटी उठा सकते हैं बाय चांस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग रेंज ब्रेकआउट, ये शायद नीचे ना आए तो हम अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है वो हम मिस ना कर दें। तो फॉर दैट रीजन हम लोग कल यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी एड अप करेंगे, अगर नीचे आते रहेगा वील एड मोर क्वांटिटीज और डेफिनेटली गाइस इसका जो टारगेट मिक्स करके चल रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 285-300 रुपीज का कर रहा हूँ जो विद इन 2-3 वीक्स हमें देखने को मिल सकता है। सो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट का डाटा एंड सेशन को एंड करते हैं। हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अब जो हम लोगों ने कल बात करी थी एग्जैक्टली वही बात मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज मेरे पास बहुत सारे चैट बॉक्स में मैसेजेस आए कि सर आपने बोला था कि मार्केट गैप डाउन जाएगी या फिर मार्केट क्रैश कर सकती है, सारी डिस्कशंस आपने करी थी तो अब हमें करना क्या है, मैंने तो कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। तो देखिए आपकी ही सबसे ज्यादा गलती है जिसकी वजह से आप मार्केट में पैसा गंवाते हो। आप सुन तो सबको लेते हो बट डिसीजन अपना ले लेते हो बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू इन द मार्केट। सो मैं आप जो चीज़ बता रहा हूँ उसे अच्छी बहुत इजीली समझना, बहुत आराम से समझना, तो आई होप आपको समझ भी आ जाएगा। दोबारा बताता हूँ, ये एक हाई है, क्लियर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जिसको नहीं भी पता वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा खुद भी। ये एक हाई है, यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करा यहाँ तक और एक रिकवरी आई अच्छी, ठीक है। तो दिस इज हाई, दिस इज लो, अगेन एक नया हाई क्रिएट हुआ, उसके बाद अगेन एक फॉल आई और यहाँ से एक रिकवरी आना स्टार्ट हुई। तो दैट मीन्स एक हाई ये था फर्स्ट H1 H2, ठीक है, मैं यहाँ पर H3 के लिए इसे ड्रॉ करता हूँ। ये H1 था, ये H2 था, ये low 1 है, ये low 2 है। अब आप देख रहे होंगे ये डाउनवर्ड के थ्रू जा रहा है, ठीक है, ये दोबारा ऊपर गया, अब इस लेवल से ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये आप देख रहे हो H1 जो था वो H2 से ऊपर है, ये होगा H3, ये H3 है, तो यानी कि ये भी नीचे है, ठीक है, तो यानी कि लोअर हाई बन रहे हैं, लोअर हाई बन रहे हैं और साथ में लोअर लो बन रहे हैं। सो कल जो हमारे बीच में डिस्कशन हुई थी वो यही चीज की डिस्कशन हुई थी कि मार्केट अभी लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रही है, इस लेवल से अगर मार्केट गिरना स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली एक फॉल आ सकता है, बट वी आर नॉट 100% श्योर कि एक दोबारा सिनेरियो रिपीट होगा बिकॉज ऊपर के हायर लेवल्स पे हम लोगों ने एक सडन फॉल देखी थी, इन लेवल्स पे भी हम लोगों ने एक सडन फॉल देखी थी, बट यहाँ पर अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। बट यस, यहाँ पर हमें गैप डाउन जरूर देखने को मिला था मंडे की मार्केट पे और वही चीज अभी तक चलती हुई हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जैसे मैं ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर हमें पता चला एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट चीज है कि कल है एक्सपायरी, कल की एक्सपायरी डिसाइड करेगी कि मार्केट का मूवमेंट या डायरेक्शन किधर हो सकता है। देखिए हमें पता था कि आज एक गैप डाउन आने वाला है, हमें पता था कि मार्केट नीचे जाने वाली है कल के पास्ट के डाटा को लेके, कल की सारी चीज़ों को लेके, बट आज भी यही चीज़ बता रही है कि मार्केट पॉज लेती है गिरने के बाद, मतलब बायर्स भी एक्टिव है, क्योंकि अगर बायर्स एक्टिव नहीं होते तो एक बड़ा जो गैप डाउन आया उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाती, बट ऐसा नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि बायर्स भी एक्टिव है, यानी कि वो भी कंट्रोल चाहते हैं कि मार्केट दोबारा ऊपर जाए। तो वही चीज़ है, कल हमें पता चलेगा कि मार्केट में बायर्स जीत रहे हैं या सेलर्स जीतेंगे एंड वो चीज़ डिसाइड करेगी। सो ये याद रखना कि अगर कल गैप डाउन आ गया
पहले ही 20 मिनट के अंदर अगर बायर्स ने कंट्रोल रीगेन कर लिया और वो मार्केट को ऊपर ले गई, गैप डाउन के बाद मार्केट रिकवरी कर गई, तो हम बाय पोजीशन बनाएंगे, डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर सकती है। अब यहाँ पर टॉपिक्स आते हैं कि कहाँ तक गिर सकती है। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर यही लेवल ब्रेक करती है तो आई थिंक गैप डाउन यहाँ पर अगर खुलता है तो क्लियर शॉट है, ठीक है। अगर नीचे जाना स्टार्ट करता और 20 मिनट में रिकवरी करता, रिमेंबर दैट 20 मिनट वेट करना ही करना है, चाहे शॉर्ट करो चाहे बाय करो, 20 मिनट के बाद ही डिसीजन अपना लेंगे। अगर ये इस लेवल के नीचे चले जाता है तो हमारा टारगेट ये होगा, और अगर इसके नीचे भी जाना ही स्टार्ट करता है देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड दिस लेवल, सॉरी नॉट दिस, दिस लेवल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा जिस तरह लेवल से गैप डाउन की आने की स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। तो निफ्टी पे हमें कॉशियस रहना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी सेम है, गैप डाउन के बाद 20 मिनट से 15 मिनट रुको और देखो कि अगर मार्केट रिकवर कर गई तो हमें बाय ऑन डिप्स करना है। अदरवाइज अगर मार्केट रिकवर नहीं करती है, रिकवर करते ही 10 मिनट के बाद दोबारा फॉल आ रहा है तेजी का, तो वहां पर हमें शॉर्ट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल की लैंग्वेज है और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। इसके अलावा तो कल मैं लाइव आ ही रहा हूँ और वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन सब कुछ कर दूंगा, आपको ऑप्शन ट्रेड भी वहां पर दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। बात करते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हम लोगों ने ओपन कर लिया। सबसे पहली चीज तो आप देखोगे ये जो छोटा सा गैप डाउन आया था ना, जिसकी वजह से हमारा एक ट्रेंड जो फॉलिंग ट्रेंड था वो स्टार्ट हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर, एग्जैक्टली उसी लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया और वहां से ये नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब जो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट है ना, वो है ऑलमोस्ट अराउंड 37,350 के आसपास का। अगर वो लेवल टेस्ट कर लेता है तो आई पर्सनली थिंक कि शायद मार्केट रिकवर कर सकती है। अगर इस लेवल के भी नीचे जाना स्टार्ट करता है then the next target should be around this level, जो कि 36,800 का लेवल है। Yes guys, 36,800 फिर क्लियर साइंस है कि हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 600 पॉइंट की फॉल और बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो वही सेम चीज़ है, कल गैप डाउन आया, अगर गैप डाउन इस लेवल तक आता और यहाँ से रिकवरी देखने को मिलती है 15 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम लोग एक बाय पोजीशन स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ से रिकवर हल्का सा करके नीचे जाना स्टार्ट करता है तो हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं, ठीक है। और सारा डाटा आपको होगा ऑलरेडी, मैं लाइव मार्केट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डाटा की एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग कुछ सीख पा रहे होंगे। सो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन इंटरेस्ट का डाटा ओपन कर लिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हेवी जो कॉल राइटर्स एक्टिव है वो 38,000 पे एक्टिव है। 38,000 के जो पुट राइटर्स थे वो एग्जिट कर चुके हैं, यानी कि 38,000 एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। 38,000 50 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। अब बात करें सपोर्ट्स की, तो माइनर हर जगह 100-100 रुपए के लेवल्स पे सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि बड़ा गैप डाउन अगर आता है और ऊपर पुल बैक देने के बाद नीचे जाता है तो ये सारे सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, तो वहां पर हम एक बड़ा फॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है फॉल करने के बाद, जिस तरीके से आज एक गैप डाउन आया और एक ही रेंज के अंदर ही पूरी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है पूरे दिन, अगर वही कल सिनेरियो होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, अदरवाइज हमें एक बड़ा ट्रेड को मिल सकता है। एक बार निफ्टी को चेक कर लेते हैं, निफ्टी के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो कॉल पुट राइटर्स गायब है, पुट राइटर्स हर जगह से गायब है, उल्टा 17,800 पे हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो अगर कल ये ब्रेकडाउन हुआ तो हैवी शॉर्ट है। इसके अलावा 17,900 पे भी बड़े कॉल राइटर्स एक्टिव है, दैट मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड नीचे ही हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर आपके माइंड में आ रहा होगा हमने बाय स्टॉक्स क्यों सजेस्ट करे, दैट मीन्स कि देखिए मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, हमारे स्टॉक्स अगर एक पैटर्न के बेसिस पर बने, अगर ये ब्रेकआउट दे रहे हैं दैट मीन्स वी कैन एंटर। हम स्मॉल क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वी कैन एंटर इन दीज स्टॉक्स। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय बाय।